मोबाइल छोड़ो, गिरो तुम छोड़ो, पहुंच वो मैंने से भाग में जी। हुआ कैसे, तुम्हें चोट कैसे लग गई? अयाज ने धक्का दिया। क्या? मुझे इश्क की इबादत करने दे। दादा बकवास नहीं करना मुझसे, सही है? मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तुम जैसे दो नंबर लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फौरन मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर फटाफट। पैसे कहाँ है मेरे? कौन से पैसे? देखो आयास, मेरे से ड्रामे ना। उस दिन जब मेरा कार्ड गुम हुआ था तो तुम ही लेकर आए थे ना कि गाड़ी में रह गया। उस दिन के बाद ना मैं कहीं बाहर गई, ना मैंने शॉपिंग की, ना मैंने ऑनलाइन कोई स्पेंडिंग की। मेरे अकाउंट में 200 रुपए कैसे रह गए? सीधी तरह मुझे बता दो कि ये पैसे तुमने लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई हरकत नहीं कर सकता। अरे जाओ यार, पता नहीं कहाँ याशी में पैसे खर्च करके आ गई और इल्जाम मुझ पर लगा रही। इल्जाम नहीं लगा रही मैं, मुझे पता है ये तुमने ही किया है। मेरे कार्ड का पिन तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। पागल हो गई हो क्या? पैसे भी तुम्हें अपने हिसाब किताब का पता होता नहीं है। अयाशी में पैसे खर्च करके आ गई, इल्जाम मुझी पर लगा रही हूँ। टेन के जो तुम्हारे पार्सल आ रहे होते हैं उसकी पेमेंट भी तुम कार्ड से ही करती हो ना। इतनी पागल नहीं हो कि मुझे पता ना चले कि मेरे 10 लाख कहाँ खर्च हो गए हैं? सीधी तरह मुझे बता दो कि मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना वरना क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम इल्जाम लगा रही हो? पहले मेरी बहन पे इल्जाम लगाती रही और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ये तुम्हारा ना खानदानी मसला है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। दिखाओ मुझे अपना फोन, वॉलेट दिखाओ, मोबाइल छोड़ो, गिरो तुम छोड़ो, पहुंच वो मैंने से भाग में। अनुव, अनुव आ क्यों? अनुव, अनुव, किधर है अनुव? किधर है, कैसे गिरी है वो? ध्यान क्यों नहीं रखते तुम? ख्याल क्यों नहीं रखते? टाके लगे उसे? अनिरा पी, वो चोट तो ज्यादा नहीं लगी, मुझे खुद नहीं पता। मैं कमरे में आया तो बेहोश पड़ी हुई थी। बेहोश? अयाज किस हॉस्पिटल में ले आए? यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है यार। सत्यन भाई, मुझे खुद को समझ में नहीं आया, जल्दबाजी में जो हॉस्पिटल करीब लगा वो ले आए, वहां पे ले आए। कहाँ है? जी हुआ कैसे, तुम्हें चोट कैसे लग गई? अयाज ने धक्का दिया। क्या? हाथ भी उठाया उसने मुझ पर। वहां पर एक नंबर का झूठा, पैसे चुराए उसने मेरे। छोड़ूंगा नहीं इसको। सत्य प्लीज, ये वक्त जज्बाती फैसलों का नहीं है। हम उसको सबक सिखाएंगे, लेकिन अभी तुम बैठो। और ये अपने आप को समझता क्या है? उसको क्या लगता है हमारी आनम बेसहारा है? ये पैसों की गड़बड़ का क्या? हाबी, पैसे दिए थे ना मुझे, सब सारे उसने चोरी कर लिए। पहले भी उसने ये किया था, उठाया नहीं था मैंने आप लोगों को। तुम तीनों को समझ आए कि मैंने अनम की शादी पे इतना हंगामा क्यों किया था? जब तुमने चोरी चुपके मोटी सलामी गाड़ी घर सब कुछ दे दिया, पर तो निकलने थे। लोगों को उनकी औकात और जर्फ के मुताबिक तोहफे देने होते हैं। अरे आप ही, वो अनम के लिए तोहफे थे और अनम की खुशी अब उसकी मुसीबत बन गई है। आज उस
बजात ने हाथ उठाया है, कल इसको कहीं मार मुड़ के फेंक देगा तो अल्लाह ना करे। लेकिन अयाज को तो पुलिस के पास जाना होगा, हम तभी उसका दिमाग ठीक होगा। पुलिस क्या कर लेगी, आजकल कुछ नहीं करती, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। वो सबते ने अपनी सबसे छोटी बहन का जहां रिश्ता किया, जिससे शादी करवाई, वो उसको पीटता है। उल्टी हम सबकी बदनामी और बेइज्जती है ना। पैरों में चाह रही हूं, मुझे चक्कर आ रहे, चली जाओगी?